डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपन बात कर रहे थे फिनोल बनाने की विधियों में, औद्योगिक विधियां चल रही थी उसमें लास्ट मेथड आपने रासिंग प्रक्रम पढ़ा था, उसी का सेम टाइप है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम के द्वारा किस प्रकार से यहाँ से फिनोल का निर्माण किया जाता है, ये भी क्या होती है, एक औद्योगिक विधि होती है। तो यहाँ से देखिए, डाउ प्रक्रम से फिनोल का निर्माण। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक रहेगा डाउ प्रक्रम। इसमें होता क्या है डियर स्टूडेंट, वही बात है, यहां से पहले बेंजीन है, उस बेंजीन को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, क्लोरो बेंजीन। अब यहां से तो डाउ प्रक्रम का जो पहला स्टेप होता है वो रासिंग प्रक्रम के पहले स्टेप से बिल्कुल सेम होता है। इसमें भी क्या करते हैं, सबसे पहले बेंजीन से क्या प्राप्त कर लिया जाता है, क्लोरो बेंजीन प्राप्त कर लिया जाता है। कैसे प्राप्त होगा, यहां से बेंजीन लेंगे आप, उस बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ करवा देंगे, यहां से HCl + 1/2 O2 की प्रेजेंस रिएजेंट क्या हो जाएगा, यहां से CuCl2 FeCl3 की प्रेजेंस में आपने अभिक्रिया करवाई। कितने टेंपरेचर पे अभिक्रिया होगी, 523 केल्विन ताप के ऊपर। तो यहां H2 बाहर निकल जाएगा यहां से, और यहां का H एक ऑक्सीजन H2 बाहर जो बचा हुआ, यहां से H रिप्लेस्ड हुआ है, वहां पे कौन जुड़ जाएगा, Cl। तो ये कंपाउंड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन, यहां से H2 बाहर निकल जाए, यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। अब आपने यहां से बेंजीन है और उस बेंजीन से आपने क्या प्राप्त कर लिया, यहां से क्लोरो बेंजीन। बेंजीन है, बेंजीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया आपने, क्लोरो बेंजीन। तो यही स्टेप, यानी कि इस विधि में भी क्या होता है, बेंजीन से क्लोरो बेंजीन प्राप्त किया जाता है। रासिंग प्रक्रम में भी यही किया था, लेकिन वहां से क्लोरो बेंजीन को क्या करते थे, अति तप्त सिलिका में भाप के साथ गर्म करके फिनोल बनाते, तो प्रक्रम क्या कहलाता था वहां से, रासिंग प्रक्रम। लेकिन यहां से क्लोरो बेंजीन जो होता है उसको सिलिका के साथ ने करके सोडियम कार्बोनेट या NaOH के साथ 623 केल्विन ताप, 300 एटीएम दाब पर CuCl2 रिएजेंट की उपस्थिति में अभिकर्त करवा के यहां से क्या प्राप्त करते हैं, फिनोल। ये जो प्रक्रम है वो कहलाता है आपका डाउ प्रक्रम। देखो यहां से जो क्लोरो बेंजीन प्राप्त हुआ है, वहां से क्लोरो बेंजीन, अब यहां से क्लोरो जो बेंजीन है इसको मैं क्या कर दूं, यहां से NaOH के साथ, NaOH के साथ में इसको अभिकर्त करवाऊंगा। देखो यहां से Na प्लस, यहां का Cl, NaCl बाहर निकल जाएगा, लिंक के ऊपर क्या जाएगा, OH। तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, ये फिनोल बन जाएगा, और यहां से आउट कौन हो जाएगा आपका, NaCl। यौगिक का नाम क्या बन जाएगा आपका, फिनोल। ऐसे ही यहां से ये तो NaOH के साथ अभिकर्त करवाएं, या क्लोरो बेंजीन को किसके साथ करवाएं, क्लोरो बेंजीन है, इसको Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जो जलीय सॉल्यूशन उसके साथ इसको क्या कर दे, आप भी करते करवा दे Na2CO3H2। तो आपको पता है Na2CO, दो Na, एक Na और यहां का एक Cl, तो यहां से क्या बात निकल जाएगा, NaCl। अब देखिए यहां से एक Na और यहां का एक H, NaH, और यहां का पूरा मॉलिक्यूल इसकी CO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब यहां पे क्या बचेगा, OH बचेगा, वो कहां पे जुड़ जाएगी, इस रिंग के ऊपर। तो देखिए यहां से ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, ये OH, यहां से बाहर कौन निकल जाएगा, NaCl, और आउट कौन हो जाएगा, NaHCO3, यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या बन जाएगा आपका, फिनोल, क्या बन जाएगा आपका, फिनोल। तो यानी कि सिंपल सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, यहां से डाउ प्रक्रम में होता क्या है कि डाउ प्रक्रम भी रासिंग प्रक्रम के समान ही होता है। तो डाउ प्रक्रम में क्या करते हैं कि इस विधि में सबसे पहले बेंजीन से क्या प्राप्त किया जाता है, क्लोरो बेंजीन, यानी कि बेंजीन की अभिक्रिया HCl एवं ऑक्सीजन के साथ CuCl2 FeCl3 की प्रेजेंस में 523 केल्विन ताप पे करवाई जाए, तो यहां से क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन। अब इस क्लोरो बेंजीन की जो अभिक्रिया है वो NaOH के साथ, इसके साथ यहां से NaOH के साथ या Na2CO3 + H2 के साथ अभिकर्त करवाई जाएगी, तो यहां से क्या बन जाएगा, फिनोल। NaOH के साथ करवा रहे हैं तो यहां से Cl, यहां का NaCl बाहर निकल जाएगा, रिंग के ऊपर क्या जाएगा, OH, फिनोल बन जाएगा। ऐसे यहां से क्लोरो बेंजीन है, Na2CO3 + H2, देखो यहां का Na
और यहां का HCl NaCl बाहर है, अब यहां से क्या बचेगा NaCO3, अब यहां के H2 में एक H यहां से शिफ्ट हो जाएगी NaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पे बचा हुआ OH है वहां पे जुड़ जाएगा जहां से Cl रिप्लेस हुआ है, तो यौगिक बन जाएगा आपका फिनोल, आउटकम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो डियर स्टूडेंट ये है आपके फिनोल बनाने की आपने जो प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधियां दोनों ही प्रकार की विधियां पढ़ ली, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है।